हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां आपको मिलता है ढेर सारा नॉलेज, पॉजिटिविटी, अवेयरनेस। जी हां, इस शो का नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी। वेल दोस्तों, अगर कोई बहुत ही गंभीर बीमारी आपका शरीर जकड़ ले तो डरिएगा मत। वेल ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। इनका ये कहना है कि अगर शरीर में कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो डर उसे और भी मजबूत कर देती है, इसलिए डरिएगा मत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बीच में एक कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी के बारे में, जो कॉमन तो है महिलाओं में लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। मैं बात कर रही हूँ PCOD, इस बीमारी के बारे में। PCOD और PCOS ये होता क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, ऐसे कई सवाल हम सारी लेडीज़ के बीच में ज़रूर आते हैं, बट एग्जैक्टली इसके सटीक जवाब क्या है ये हमें पता नहीं होते। तो चलिए जानते हैं उन्हीं एक्सपर्ट से जिनका कहना है कि डरिएगा मत। वेल, ही इज नन अदर देन क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर, डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने अपने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायोसाइकोसोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर सहित कई जटिल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ खुशहाल जीवन देना। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब। हेलो, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, स्पेशली लेडीज के लिए जो PCOS या PCOD ये जो समस्या है, इसके रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो या आपकी मम्मी या सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड, किसी को भी ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ वक्त ज़ाया मत कीजिए। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप खुद डॉक्टर अनवर साहब से अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। यदि नंबर्स बिजी आए तो शो के बाद भी डॉक्टर अनवर साहब या उनकी टीम से आप संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। सो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए। वेल, इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि PCOD, PCOS पहले तो कहना क्या चाहिए, एंड सेकेंडली इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये क्या होता क्या है ये एग्जैक्टली? स्नेहल जी, PCOD कहिए या PCOS कहिए जी, दोनों एक ही चीज़ होती है। PCOS का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जी, और PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये जो एक मखसूस बीमारी जो है औरतों की, इसका मेन प्रॉब्लम जिसमें ये होता है कि जो ओवरीज होते हैं, ये बैदा जो होता है जो ओवुलेशन के टाइम के ऊपर निकलता है, प्रेगनेंसी के लिए जो है ज़रूरी ये होता है कि अंडा फीमेल का और मेल का स्पर्म मिले। ये सिस्टम जो बायोलॉजी ने कुदरत ने रखा है, कंसेप्शन होता है, लेकिन जब नहीं जब मिल पाता है तो अंडा जो है नॉर्मल तौर के ऊपर बाहर निकलता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो मेन PCOS के अंदर मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी होती है, यानी महीना इरेगुलर हो जाता है, 3-3 महीने, 6-6 महीने आता नहीं है, आता है फिर कभी जाता है, इस किस्म से होता है, डिलेड हो सकता है। ये इसलिए होता है कि जो फॉलिकल्स ओवरीज के अंदर होते हैं, एमेनोरिया या महीना नहीं आना या डिलेड होना, इरेगुलर होना, ये PCOS की खास निशानी है। साथ साथ में इसमें क्या होता है कि मेल हॉर्मोन्स का प्रेडोमिनेंस ज़्यादा होता है, मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, तो कुछ फीचर्स मेल जैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल बाल आना अनवांटेड प्लेसेस के ऊपर फीमेल्स के अंदर, ओबेसिटी एक मेन सिम्टम है इसके अंदर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए इसको PCOS कहा जाता है जी। लेकिन मेन जो सिम्टम जो उसका मेंसेस का डिले होना या मेंसेस का ना होना, कि PCOS बहुत कॉमन है और इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज के बांझपन का, इनफर्टिलिटी। मैं ये इनफर्टिलिटी इस विषय पे और आगे आपसे बात करना चाहूँगी डॉक्टर अनवर साहब, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चला है हमारे पहले कॉलर का। बहुत ज़्यादा कॉलर्स की तादाद बढ़ने लगी है दिन ब दिन, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आज का पहला कॉल मैं लेना चाहूँगी जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
मेरा नाम दिव्या है जी, और मैं बनारस से बात कर रही हूँ। दिव्या जी, अभी अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होगी डॉक्टर अनवर साहब की, आप अपना सवाल उनसे पूछ सकती है। जी फरमाइए। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते जी दिव्या जी, फरमाइए। एक्चुअली मेरा वेट पिछले 5 साल में हर साल बहुत कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था। अच्छा। और बट मैंने 6 महीने पहले, 7 महीने पहले रियलाइज की अभी इनफ टाइम हो गया, और मेरी एज इस समय 24 है। और मैंने स्विमिंग ज्वाइन की, मैंने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, मैंने काफी रिसर्च वगैरह किया नेट वगैरह पे, और अपना खाना पीना भी ठीक किया, पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है जी। तो मेरा अब वेट बढ़ना कम हो, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन एक जगह रुक गया है अब वो, लेकिन कम नहीं हो रहा है। वॉक कर रही हूँ, एक स्पोर्ट्स ट्रेन किया, सब कुछ है, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो सर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? नहीं, मेंसेस की कोई इरेगुलरिटी है क्या? इरेगुलरिटी तो नहीं है, मतलब मेंसेस लेट होना, नहीं आना इस किस्म से? नहीं सर, वो तो इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, अब दूसरी बात बताइए, कोई वीकनेस या हाथ पैर में कपकपी, सूजन बदन में कहीं पर होती है क्या? नहीं सर, क्योंकि मैंने स्विमिंग और ये सब मेरे दिनचर्या एकदम टाइमिंग वाइमिंग फिक्स है, तो अभी तक मैंने तो ये चीज़ें अपने नहीं महसूस की है कि सूजन हो या पाँव सूज रहा हो या कुछ, ऐसा तो नहीं है। देखिए आपके जो सिर्फ खाली वजन बढ़ रहा है, हाँ, तो प्रोबेबली जो आपका जो कॉज है वो एक्सोजेनस ओबेसिटी हो सकता है, क्योंकि हमने रूल आउट किया पहले जो सवाल किया, तो क्या पीसीओएस का प्रॉब्लम तो नहीं है? पीसीओएस के अंदर जो मेंसेस की इरेगुलरिटी होती है और वेट बढ़ता है और चेहरे के ऊपर, शरीर पर कई बाल आते हैं इस किस्म से औरतों में, क्योंकि हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो मेंसेस का रेगुलर नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा हो सकता है कि थायराइड का एक शिकायत, हाइपोथायरॉयडिज्म वेट बढ़ाता है, तो हमने उसके बारे में मालूम किया कि सूजन कुछ है क्या या कुछ कमजोरी है इस किस्म की। अगर ये दोनों नहीं है तो मोस्ट कॉमनली जो आजकल हमने देखते हैं वो होता है एक्सोजेनस ओबेसिटी, कि जो ये और न्यू जनरेशन में हमने बहुत ज़्यादा देखे। तो प्रोबेबली जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक दो तीन चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि वज़न बढ़ता क्यों है। हमारे बदन को एक पर्टिकुलर अमुक क्वान्टिटी की कैलोरीज एनर्जी के लिए लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मर्द आदमी है तो उसको अराउंड 2000 किलो कैलोरी पर डे लगता है। अगर वो हैवी वेट काम करता है यानी ठेला खींचता है तो हो सकता है उसको थोड़ा 2 से 2500 किलो कैलोरी लगती है। अगर औरत है तो उसको 1000 से 1500 किलो कैलोरी के अंदर उसका काम हो जाता है दिनचर्या का मेंटेन करने के लिए। अभी इतना अगर हम लोग खाते हैं तो वो एक्टिविटीज़ में जल जाता है, लेकिन अगर हम लोग ऊपर से कैलोरी लेते हैं इससे ज़्यादा, तो कहीं जाके हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, वो फैट की शक्ल में स्टोर होता है। मैं चाहता हूँ कि आप बराबर खाएं और आपका वज़न कम हो। वो कैसा होगा कि आपकी फूड भी रिच होना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर, बदन के ऊपर, फैट की शक्ल में स्टोर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये करना चाहिए कि आपको खाना, जब नाश्ता करेंगे तो आपका नॉर्मल जो है, बल्कि नॉर्मल से हैवी आप ना वो कीजिए, लेकिन आप तली हुई चीज़ें उसको अवॉइड कीजिए। और लो कार्ब डाइट, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स, हम जो स्वीट्स बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें आपको लो कार्ब डाइट रखना पड़ेगा, शुगर का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। तो आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कौन से टाइम पे खाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आप बर्न अगर करते हैं तो आपकी एक्टिविटी क्या है आप ये देखिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं आपके घुटने घुस रहे हैं, ये गोल ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। आपको जो दिल करता है वो खाइए, लेकिन कम खाइए, अच्छा खाइए, क्वांटिटी कम कीजिए और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लीजिए। और होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं कि आपकी जड़ से समझ में जो समस्या है वो ख़त्म कर सकती है। आप उसका दामन थामिए, हमारे सेंटर से कांटेक्ट कीजिए और आप तो अपना जो वेट भी कम कीजिए, अपनी ब्यूटी भी एनहांस कीजिए, अपने पर्सनालिटी भी एनहांस कीजिए। ये आप होम्योपैथी की तरफ से आपके लिए तोहफा है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर कॉलिंग अस। वेल दोस्तों, अगर आप कोई महिला है या आपके घर में कोई महिला है जिसे पीसीओएस की शिकायत है, तो देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी की पूरी टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। वेल डॉक्टर अनवर साहब, इसी के साथ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी पे मैंने आपको रोका था क्योंकि कॉलर का कॉल आया था। मैं जानना चाहूँगी, ये देखा गया है कि जिसे पीसीओएस होता है वो इनफर्टिलिटी का शिकार बन जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी का क्या कहेंगे हम, उन्हें प्रेगनेंसी नसीब नहीं होती। ये किस हद तक सच है और क्या इसे टाला जा सकता है? क्या किसी को जैसे पीसीओएस या पीसीओडी है,
क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? स्नेहल जी, ना सिर्फ ये प्रेग्नेंट हो सकती है बल्कि PCOS सीधा बिल्कुल साफ हो सकता है, रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है जी। ऐसा सिर्फ हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है बहुत सारे केसेस में हमारे पास में ऐसे एविडेंसेस है जहाँ के जो प्रॉब्लम हमको हमारे पास लेकर आते हैं कि इनफर्टिलिटी का भाई बच्चे नहीं होते बिकॉज ऑफ PCOS और PCOD, उनको बच्चे हुए हैं, वो बच्चों की माएँ हैं, एक दो ऐसे भी बहुत बच्चे हुए हैं, और ना सिर्फ ये उनको बच्चे हुए हैं लेकिन जो सोनोग्राफी में उनकी जो रिपोर्ट्स जो थी वो पूरी ओवरऑल जो फॉलिकल जो आते थे वो क्लियर हो गए हैं, उनका जो हार्मोनल इम्बेलेंस था वो क्लियर हो गया, एंड्रोजेंस का लेवल जो हाई था वो कम हो गया, DCS में DHEAS में फ्लक्चुएशन था वो कम हो गया, प्रोलैक्टिन का लेवल में इम्प्रूवमेंट आया, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम होती है हॉर्मोन्स में वो भी ठीक हुए, सिम्टम्स भी ठीक हुए, वज़न भी कम हो गया उनका, कि PCOS हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा जो काम जो होता है वो पेशेंट को समझने का, क्या उसमें प्रॉब्लम है वो समझने का और उसके हिसाब से दवा देना। जब हम इसके हिसाब से जब काम कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करके बराबर दवा निकालते हैं, तो ना सिर्फ उसकी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। डॉक्टर अनवर साहब, माफ़ी चाहूँगी मैं, बट एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाहता है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वो पहले कॉल लेना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रविराज बोल रहा हूँ, बनारस से। रविराज जी, जो अगली आवाज़ आप सुनेंगे वो डॉक्टर अनवर साहब की होगी, आप अपना सवाल उनसे पूछ सकते हैं। जी 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 रवि जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे सर में एक पार्ट में, मतलब पूरे सर में नहीं, आधे सर में आँख के पास जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है अक्सर जी, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आपका जो दर्द एक तरफ होता है आपने बताया जी, वन साइड होता है, तो क्या इसको उल्टी होने से कुछ फायदा होता है? हाँ उल्टी हो जी, मचलाता रहता है, लेकिन जब उल्टी हो जाती है तो रिलीफ हो जाता है। जी जी, तो ये आपका क्लासिकल सिम्टम जो है रवि जी, ये माइग्रेन का है। अच्छा, माइग्रेन का सर दर्द ऐसा होता है, माइग्रेन की जो वजह होती है कि सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होता है, और ये बहुत सारे ट्रिगर्स से ये एग्रेवेट होता है, जैसे कि खाली पेट अगर है तो आपको तो बढ़ेगा, शायद आपको होता होगा जी। खाली पेट से धूप में आप निकलेंगे तो आपको सर दर्द होता होगा जी। और स्ट्रेस अगर आपको बढ़ गया तो आपका हेडेक बढ़ता होगा, क्या ऐसा होता है आपको? हाँ जी। हाँ, तो ये जो आपके जो सिम्टम्स जो है ये टिपिकल माइग्रेन के सिम्टम्स है। हमने जैसे बताते हैं प्राइमरी जो हेडेक होता है उसमें तीन मुख्य कारण होते हैं, माइग्रेन, टेंशन हेडेक और क्लस्टर हेडेक, ये तीनों अलग अलग किस्म की होती है। आपके जो सिम्टम्स है क्लासिकल माइग्रेन के सिम्टम्स है, और आपने बताया राइट साइड में पेन होता है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन किस तरफ में हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या चीज़ से बढ़ता है घटता है, तो उसके हिसाब से होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप ये दवाई उनके सलाह से लेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये टिपिकल माइग्रेन का पेन है आपको। अच्छा, और ये क्लस्टर हेडेक का नहीं है ना टेंशन हेडेक का है, जिसकी वजह से आपको ये होता है। आपका जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हेडेक को क्योरेबल है, और बार बार की टेंडेंसी जो है वो भी ख़त्म हो सकती है, और एक्यूट में अगर आपको पेन उठता है तो भी आपको होम्योपैथी से फ़ायदा हो सकता है। आप संपर्क कीजिए हमारे सेंटर से, सलाह लीजिए और उसके हिसाब से फिर आगे जो है हम बताएंगे, या आपके करीबी होम्योपैथी डॉक्टर के से पास जाइए। आप बनारस में हैं, बनारस के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे यहाँ से कांटेक्ट कीजिए, हम बताएंगे नंबर, वहाँ पर जाके उनसे मिलिए, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे लीजिए और आपका मसला आप सॉल्व करा दीजिए। आपके जहन में कोई भी सवाल हो अगर PCOS या PCOD से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली उस सवाल को पूछ सकते हैं और उसका हल पा सकते हैं। ना ही सिर्फ आप हल पा सकते हैं बल्कि खुशनुमा एक सेहतमंद जिंदगी भी जी सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपको उठाना होगा, आपके TV स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको बस उस नंबर पर कॉल करना है, अपना सवाल पूछना है और उसके बाद एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी जीना है, कॉल तुरंत कीजिएगा। डॉक्टर अनवर साहब, जैसे कि मैंने अभी अपने दर्शकों से भी कहा कि एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी डेफिनेटली हर कोई इंसान जी सकता है, ऐसी एक सक्सेस स्टोरी हमारे बीच में आई है इनफर्टिलिटी यूनिक केस की, तो अगर आप इजाजत दें तो अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगी ये स्टोरी। जी प्लीज़ जी। मेरा नाम डॉक्टर अजहर अंसारी, हम लोग शादी के बाद करीब करीब 3 साल तक परेशान थे प्रेगनेंसी को लेकर के, काफ़ी दौर तक प्रेग्नेंट हो जाती थी मेरी वाइफ, लेकिन पहले 2 महीने में या 3रे हफ्ते में एबॉर्ट हो जाता था, मिसकैरेज लाइक।
सारे चेकअप्स हमारे नॉर्मल आते थे, वाइफ को कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं था, कोई डिजीज़ नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डिजीज़ नहीं थी। बाद में पता चला कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका कोई इलाज एज सच एलोपैथी में नहीं है। तब मैंने डॉक्टर अनवर अंसारी जो कि मेरे प्रोफेसर रहे हैं सर से पूछा कि ये सिचुएशन है और ये प्रॉब्लम है, इसमें होम्योपैथी क्या हेल्प कर सकती है। ईश्वर की कृपा से 8 ही महीने गुजरे और मेरी वाइफ फिर प्रेग्नेंट हुई। 7वां महीना जब प्रेगनेंसी का लगा, बच्चेदानी के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो फट गए, वो पूरा ड्रेन आउट हो गया। साइंस ये बोलता है कि सब जो महीना बेबी 7 महीना कंप्लीट नहीं किया है और इनकेस अगर हम ऑपरेट करके निकाल भी दें तो भी वो सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसके लंग्स पूरे डेवलप नहीं होते। कुछ ख्याल दिल में आया कि चलो एटलीस्ट कुछ ट्राई तो करें, और ऑपरेट करके बेबी निकाला गया। बेबी को NICU वगैरह में रख करके ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, बच्चा घर आया। घर आने के बाद में आज ईश्वर की कृपा से 15 साल का हो गया है, और लकीली उसके बाद मुझे एक और बेबी हुई 3 साल के बाद ही, और अब मेरे पास में 2 बच्चे हैं। ये प्योरली होम्योपैथी की देन है, होम्योपैथी से ट्रीट होने के बाद ही ये मसला हल हो पाया है। डॉक्टर अनवर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी एग्जैक्टली इस केस के बारे में डिटेल में। आपका टाइटल प्रोग्राम का होम्योपैथी अनहोनीपैथी, एब्सोल्युटली आपने देखा साबित कैसी हुई, साबित कैसी हुई। ये मेरी ज़िंदगी में एक नायाब केस आया जी। एक कपल शादी के बाद में कंसीव करने में डिफ़िकल्टी उनको हो रही थी, बार बार अबॉर्शन हो रहा था। अभी प्रॉब्लम इसमें यह था कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम था कि हस्बैंड और वाइफ में इनकम्पेटेबिलिटी थी जेनेटिक, उसके वजह से जो है कुछ ऑटो इम्यून रिएक्शन होकर वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और जो बच्चा जो पैदा होता था वो कैसा पैदा होता था कि मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट दी थी, लगता था कि महीना चढ़ गया है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन 2-3 महीने बाद में फिर वो फुस हो जाती थी, वो अबॉर्ट कर लेती थी। तो उसकी वजह ये थी कि जो जब स्पर्म आदमी का और औरत का जब अंडा मिलता है तो उससे जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो अंडा जो मतलब जो उसमें ऐसा होता है कि फीटल पोल एक होता है कि जिस मिसाल तौर पे हम समझाना चाहें कि एक अंडे के अंदर एक उसका जो खोल होता है सफ़ेद अंदर मटेरियल होता है। तो ये प्रेगनेंसी में ऐसा था कि ऊपर का खाली कवर था छिलका, अंदर कोई माल नहीं था। तो उसके वजह से जाहिर सी बात है कि अंदर कोई बच्चा नहीं है, बच्चे की सीड नहीं है, तो वो तो अबॉर्ट करना ही है। हमारे पास में बहुत सारी जो दवाइयाँ जो है वो इस किस्म की है कि गहराई तक का जो जीन्स के लेवल पर जाके काम करती है। होम्योपैथी जो है वो जेनेटिक लेवल के ऊपर काम करती है। जो अगर म्यूटेशन जो आ गया है, जीन्स में चेंजेस आ गए हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है कोई भी जेनेटिक बीमारियों का। मेरे पास में और भी जेनेटिक बीमारियों के जो बहुत सारे केसेस है, जो बच्चे ख़ासतौर पर बच्चों में जिसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं या और जो दीगर जेनेटिक बीमारी की वजह से मतलब कि वो देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, इस किस्म के बच्चे भी मतलब ये दवाई से जब मैंने किया हूँ कि जब जेनेटिक लेवल पर काम करती है तो वो ठीक हुए, ऐसे भी केसेस हैं। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब इसमें रास्ता निकाल सकते हैं। हमको टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रास्ता इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। उसका हमने हस्बैंड को भी ट्रीट किया, वाइफ को भी ट्रीट किया, तो दोनों में जब डिफेक्ट जब कंट्रोल में आया तो जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम था वो सेटल हो गया। फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी उनको होगी कि होम्योपैथी वो जो दवा है जो जीन्स तक का जाके जो म्यूटेशन जो हुआ है उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं उसको भी नॉर्मल ला सकती है। ऐसा हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। वेल, डॉक्टर अनवर साहब, थैंक यू सो मच। हमारे तमाम दर्शकों की ओर से मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। वाकई में आपने बहुत कीमती जानकारी सभी के साथ में शेयर की है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर इन दिस। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं, हताश होकर बैठने में कोई अर्थ नहीं। अगर कोई भी आपके शरीर में समस्या हो तो उसका आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको डॉक्टर अनवर साहब या उनकी टीम से सलाह मशवरा करना हो तो हमें संपर्क करें। पता है हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, KD टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2300-4757, 02-2300-5757 और
9930950750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। सो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। अब आपसे चाहूंगी इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में, जिसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी, एक नए विषय के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए प्लीज विनती है मेरी, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।